हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, युनची अपने सीनियर को पीटने के बाद उनकी जगह खुद ले लेता है। फिर उसके बाद वो युनवा को भी अपने साथ उस कंपटीशन में ले जाने लगते हैं और उस कंपटीशन को देखने के लिए तेंसु कॉन्टिनेंट के मेन चार लॉर्डों में से एक आया होता है जिसका नाम लॉर्ड लिंग होता है। अब आगे शुरुआत के सीन में बूढ़ा दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, मैं जिसका नाम लूँ वो यहाँ पर आ जाए, जिसकी वजह से मैं उसकी पावर को चेक करूँगा, उसकी साल भी बताऊँगा वो कितने साल का है। तो वो सबसे पहले सियो ट्राइब का नाम लेता है, सियो कंगलाई, सियो जैंग, सियो नान। इसके बाद वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। वो एक पत्थर पर अपना हाथ रखकर अपनी पावर को बता रहे होते हैं। लेवल 9 स्पिरिचुअल फेस, लेवल 6 स्पिरिचुअल फेस, ऐसे ही करके सभी सेक्शन के लोग आने लगते हैं। फिर वो एक बार आइस पैलेस का भी नाम लेता है। आइस पैलेस का नाम लेने के बाद वो सभी लड़कियाँ वहाँ पर जाने लगती हैं। सभी लोग उनके रास्ते से हट जाते हैं और आँखें फाड़ फाड़ कर उनको देख रहे होते हैं। कर्रा माल है, कर्रा माल है। युनवा तुरंत ही खड़े होकर कहने लगता है, युनची देखो देखो, ये तो मेरी सिस्टर है। युनची उसका हाथ पकड़ कर उसको बैठा लेता है। प्रिंसेस कांगफांग कहने लगती है, क्या यही तुम्हारी होने वाली पत्नी थी क्या? जिस पर वो कहने लगता है, हाँ यही थी। उस समय पर यह वहाँ की गॉडेस थी और मैं वहाँ का बहुत बड़ा लूज़र, पर इसने अपना प्रॉमिस निभाने के लिए मेरे से शादी कर ली थी जिससे मेरे दादा का नाम ना खराब हो। इस पर कांगफांग प्रिंसेस कहने लगती है, इसका मतलब काफ़ी अच्छी लड़की है ये, क्या तुम्हारे लिए इसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं? इस पर युनची उससे मना करने लगता है, नहीं, उसकी और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा उसी के लिए लिया है ना? हाँ, मैंने इस कंपटीशन में उसी के लिए हिस्सा लिया है, पर मैंने ये प्रूव करने के लिए लिया है उसने जो पहले चूज़ किया था वो गलत नहीं था। उधर वेंग्युचन प्रिंसेस को युनची के पास देखकर आग बबूला हो रहे लग रहा होता है। वो कह रहा होता है, युनची कुत्ते साले में तुझे मार दूंगा। तभी बगल वाला इंसान कहने लगता, यंग मास्टर क्या हुआ? युनची तुम मेरे हाथों से मरोगे। तभी गंगे की पावर चेक होने लगती है, उसकी पावर लेवल 8 स्पिरिचुअल फेस में होती है। ये सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद लिंग मेंशन को बुलाया जाता है, वहाँ पर एक लड़के की पावर लेवल 3 अर्थ फेस में होती है। ये सुनकर तो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बाद में कांग कांग पैलेस को बुलाया जाता है जिसमें खाली युनची को बुलाया जाता है। खाली एक आदमी का नाम सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। एक युनची नीचे आकर अपनी पावर को चेक करता है, उसकी पावर लेवल 10 बॉडी फेस में होती है। ये सुनते ही सब लोग बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। एक आदमी आया, वो भी इतना घिसा पिटा सा। काफ़ी लोग ये भी कहने लग रहे होते हैं, चलो अब मेरी चिंता भी ख़त्म हो गई कि मैं अब आकर ही आऊँगा। युनची का मजाक बनते देख युनवा और कांगफांग प्रिंसेस थोड़ा परेशान होने लगती हैं। वो बूढ़ा आदमी युनची को एक टैबलेट दे रहा होता है जिस पर उसका टोकन नंबर होता है। फिर हमें लिंग पेंशन पर दिखाते हैं, वो छोटा लड़का कह रहा होता है वो लेवल 10 में बॉडी फेस पर पहुँच चुका है। और उसके साथ वाला कहने लग रहा होता है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। फेंगजीचन के बगल में बैठा आदमी कहने लगता है, इस जैसे चूतिए ने प्रिंसेस कांगफांग का दिल कैसे जीत लिया? ये सुनते ही फेंगजीचन उसे गुस्से से देखने लगता है और उसे कहता है, पता करो कि उसका टोकन नंबर क्या है और साथ में ये भी पता करो वो किस किस से लड़ने वाला है, और उनसे कह देना कि वो उसे मार दें, और मार ना पाए तो उसे लंगड़ा लूड़ा तो ज़रूर ही बना दें। इसके बाद वो बूढ़ा कहने लगता है, चलो अब टेस्ट ख़त्म हो गए हैं, अब सीधा कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा। इस कॉम्पिटिशन में 30 ग्रुप के लोग लड़ेंगे और उनका अपोनेंट उनकी पावर के हिसाब से ही होगा। इसके बाद सारे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाते हैं, सभी लोग लड़ने लगते हैं। युनवा युनची से कहने लगता है, देखो देखो मेरी सिस्टर लड़ रही है, हमें क्योंकि को दिखाते हैं जो कि सिर्फ एक ही हमले में और उसे पूरा जमा कर रख देती है। मुझे पता था मेरी सिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। तभी युनची का टोकन जलने लगता है। कांगफांग प्रिंसेस कहने लगती है, युनची तुम्हारा नंबर आ गया है, थोड़ा बच के रहना। इस पर वो उससे कहने लगता है, चिंता मत करो मैं बचकर ही रहूँगा। उसका अपोनेंट वो किंग होता है जो कि फेंगजीचन ने उसे मारने के लिए बिल्कुल भेजा होता है। वो मोटा युनची से कहने लगता है, तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है कि तुम मुझसे मिल गए। वो युनची उसकी बात पर कोई भी जवाब नहीं देता और उसे इशारा करता है उस पर हमला करने का। ये सब देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। युनची अपने आप को बहुत बड़ा विधायक समझ रहा है। फेंगजीचन के बगल में बैठा लड़का कह रहा होता है, यंग मास्टर आप चिंता मत करो, अभी देखना ये धरती कैसे चाटता है। वो मोटा युनची को बुलाते देखते तुरंत ही अपनी तलवार उठाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ते हुए उस पर हमला कर देता है। युनची बड़े आराम से उसे देख रहा होता है, पहला हमला और वो भी इतना खतरनाक, मुझे तो ऐसा लगता है ये कॉम्पिटिशन नहीं है तो मुझे मारना चाहता है। इसके बाद वो उसके हमले को डॉच कर देता है और एक जोरदार कोनी उसके पेट पर मारता है। इसी के चलते वो मोटा वहीं पर ढेर हो जाता है और ज़मीन पर फैल जाता है। सब लोग कहने लगते हैं, ये कैसे जीत गया, ऐसे कैसे हो सकता है ये जीत जाए। तभी एक आवाज़ आने लगती है, कांगफांग पैलेस से युनची जीत चुका है। युनची आगे बढ़कर उस मोटे से कहने लगता है, तुमने मैच के स्टार्ट में ही मुझे टारगेट बना दिया, लगता है तुम्हारा कोई इस्तेमाल कर रहा है। जिसने तुम्हें भेजा उस इंसान से कह दो उसने ये शुरू किया है और मैं इसको ख़त्म करूँगा। फेंगजीचन युनची की बात सुन लेता है और वो अपने बगल वाले आदमी से कहने लगता है, क्यों अकल के 14 तुमने कैसा आदमी चुना था,
केशव को कहने लगता है, अरे मैंने आदमी तो ठीक सुना था, पर उसने यूंची को हटाना नहीं। पर तुम चिंता मत करो, अभी 12 मैच बचे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वो सारे मैच ट्रिक लगाकर जीत जाए। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यूंची कांगवा प्रिंसेस और युनवा और सेक्शन लीडर साथ जा रहे होते हैं। युनवा कहने लगता है, यूंची तुम बहुत ही कमाल के हो। सेक्शन मास्टर कहने लगता है, अगर इसी तरह से तुम करते रहे तो बहुत ही जल्दी टॉप 100 में पहुंच जाओगे। तभी हम इसी रास्ते पर देखते हैं कि आइस पैलेस के लोग आ रहे होते हैं। युनवा पीछे मुड़ता है और तुरंत ही भागकर क्यूंगी के पास पहुंच जाता है। क्यूंगी उसके हाथ पकड़कर उससे बोलने लगती है, युनवा तुम यहाँ पर कैसे आए? इस पर युनवा यूंची की तरफ इशारा करता है, मैं ब्रदर इन लॉ के साथ आया हूँ यहाँ पर। क्यूंगी ये सुनकर चौंक जाती है, क्या ये हकीकत में ही वही है? उसके साथ वाली आगे बढ़कर कहने लगती है, क्या तुम लेगिन सिटी से शिवशो हो? इस पर युनचू कांगफांग प्रिंसेस से इशारा करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरा नाम शिवचो नहीं अब युनचू है और मैं कांगफांग पैलेस से कंपटीशन लड़ रहा हूँ। और फिर वो क्यूंगी से कहने लगता है, क्यूंगी हम काफ़ी समय से नहीं मिले, तुम कैसी हो? इस पर वो कहने लगती है, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो साथ वाली लड़की कहती है, लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा चमक गई और तुम यहाँ पर आ चुके हो। चलो इसी के साथ क्यूंगी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं तुम्हें तुम्हारी होशियारी के लिए एक बात बता दूँ, तुम वो करने की कोशिश बिल्कुल मत करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस पर सिंचू उससे कहने लगता है, सीनियर आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसकी मदद से क्यूंगी को परेशानी हो। लिटिल फेरी की बगल में ही खड़ी होकर कह रही होती है, उसको ये तक नहीं पता जिस लड़के से वो ये बात कह रही है वो उसके बगल में खड़ी लिटिल फेरी के साथ रंगरलिया बना चुका है। लिटिल फेरी सोच रही होती है, इसके तो बहुत सारे चक्कर हैं, मेरे सेक्शन की एक लड़की के साथ तो इसकी शादी हो चुकी है और ये कौन कौन प्रिंसेस के साथ घूम रहा है और मेरे साथ तो रंगलिया भी बना चुका है। तभी लिटिल फेरी वहाँ पर कहने लगती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, और वो अपने सभी लोगों को वहाँ से लेकर जाने लगती है। वो बिल्कुल युनचू के बगल से होकर निकलती है। युनचू उसको थोड़ा सा देखकर हंस जाता है, फिर वो क्यूंगी को देखने लगता है, ये भी थोड़े समय में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है, लगता है इस पैलेस की टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और इसके बाद वो भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। फेंग जीचन के बगल में बैठा आदमी उससे कह रहा होता है, आखिर मुझे ये तो नहीं पता कि कल युनचू कैसे जीत गया, पर मैंने आज तोंग वाई को बोला है वो उसको ज़रूरी तोड़ देगा। फिर हमें कंपटीशन एरिना की तरफ दिखाने लगते हैं, यहाँ पर युनचू के आगे तोंग वाई खड़ा होता है। वो कह रहा होता है, मैंने तुमको सिर्फ अब तक हाथ पैरों से लड़ते देखा है, इसका मतलब तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है और तुम हमारी तरह ही फिजिकल स्ट्रेंथ को कल्टिवेट करते हो। ये सुनकर युनचू उससे कहने लगता है, हो सकता है, पर मैंने सुना है कि लोग तुमको बोलते हैं आयरन मैन, पर आयरन मैन तो सिर्फ RDJ है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई मार्वल मूवी की शूटिंग हो रही है? चलो पर मैं ये देखना चाहूँगा कि तुम कितने बड़े आयरन मैन हो। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, लगता है तुम अपनी मौत ढूंढ रहे हो और उसी के साथ ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ते हुए उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है। युनचू आ रहे उसके एक गूंसे को अपने एक गूंसे से रोक देता है और उसके हाथ पे जितने भी कवच होते हैं वो युनचू के गूंसे की धमक से टूट जाते हैं और वो पीछे जाके गिरता है। वो पीछे पहुंच ही पाता है तब तक युनचू उसके पास आ जाता है और उसके मुंह में कई सारे गूंसे मारता है। आखिर में एक लात मारकर उसे पीछे फेंकता है, फिर आसमान में उड़कर जाता है और एक गूंसा उसको मारने ही वाला होता है पर वो वहीं पर रुक जाता है। तंगवाई बोलने लगता है, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। इसी के बाद आवाज गूंजने लगती है, कांगफांग पैलेस से युनचू जीत चुका है। ये देखने के बाद फेंग जीचन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ऐसे ही चलते चलते जितने लोगों ने भाग लिया था वो जीतते जाते हैं और इधर युनचू भी अपने सारे मैचेस को जीत लेता है और आखिर में बर्निक सेक्शन के एक डिसिपल को भी पेल देता है और इसी के साथ ही वो 12 मैचेस को जीत जाता है। ये देखने के बाद फेंग जीचन बहुत ही ज़्यादा अचंभे में पड़ जाता है। युनचू वहाँ से जाने के बाद युनवा और कांगफांग प्रिंसेस के पास पहुँच जाता है। कांगफांग प्रिंसेस तुरंत उठकर उसके पास आ जाती है और उससे कहने लगती है, युनचू तुम सारे मैच जीत गए? ईश्वर युनचू उससे कहने लगता है, हाँ मैं सारे मैच जीत गया, इसका कोई प्राइस तो होना चाहिए ना। और इतना कहते ही वो अपने गाल को आगे कर देता है। कांगफांग प्रिंसेस उसे तुरंत ही चुम्मा दे देती है। थरकपना पहले तो कमरे में ही हो रहा था, अब तो ओपन में भी होने लगा। सेक्शन मास्टर युनवा से कह रहा होता है, दूसरी तरफ देखो। और ये सब नज़ारा फेंग जीचन देख लेता है और कहने लगता है, युनचू मैं तुम्हारी अस्थियों को गंगा में बहा दूंगा। इधर लिंग सेक्शन का मास्टर बोल रहा होता है, ये लड़का बहुत ही कमाल का है, इसकी कल्टीवेशन रिलेव इतनी आगे नहीं है पर इसकी बॉडी स्ट्रेंथ लेवल कल्टीवेशन से बहुत आगे है। और उसके बगल में बैठा हुआ बेटा उससे कहने लगता है, आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और वो कहने लगता है, इस वाले राउंड में 300 लोग हैं और उनका मैच रैंडम तरीके से होगा, कोई भी किसी के अभी आगे लड़ सकता है। ये सुनते ही वो लोग कहने लगते हैं, रैंडम मैच? इस हिसाब से तो वो 4 सेक्शन के टॉप लोगों से लड़ने लगेगा। कांगफांग प्रिंसेस उससे कह रही होती है, अगर तुम टॉप 100 में नहीं आओगे तो कोई बात नहीं है,
इसी के साथ ही पहला मैच स्टार्ट हो जाता है। यूनचू का पहला ओपोनेंट थंडर क्लाउड सेक्शन से ली जंगतियन होता है। फेंग जी चन के बगल में बैठा आदमी कहने लगता है, चाहे इसके पास कितनी भी स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, वो ली जंगतियन के हथौड़ों से नहीं बच सकता। फेंग जी तियन उससे कह रहा होता है, इस बार ये बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, आप चिंता मत करो, वो बिल्कुल नहीं बचेगा। ली जंगतियन यूनचू से कह रहा होता है, मैंने सुना कि तुम पहले राउंड में बहुत उछल रहे थे, पर तुम्हारी किस्मत अब ख़राब होने वाली है क्योंकि मैं तुमको मिल चुका हूँ। यूनचू फिर उससे कहने लगता है, चलो हम शुरू करें। फिर उसके बाद उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ली जंगतियन अपने हथौड़ों से उस पर हमला कर रहा होता है, पर यूनचू किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ अपने घूसों से ही उसके हथौड़ों को पीछे कर रहा होता है और आखिर में तो घूसे मारकर उसे पीछे भी फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, तुमने मेरे हथौड़ों के आगे सिर्फ घूसों का इस्तेमाल किया। इस पर वो मोटा गुस्सा होकर कहने लगता है, पता नहीं तुमने कौन सी ट्रिक यूज़ करी है, पर तुम ये मैच नहीं जीत सकते। फिर वो उसके बाद अपने हथौड़ों की टेक्निक को ऑन कर देता है और उसके हथौड़ों में से बिजली निकलने लगती है। तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, लो मेरे हथौड़ों से मरो। और वो यूनचू पर हमला कर देता है। यूनचू तुरंत ही अपनी तलवार को निकाल लेता है और पीछे हो जाता है और कहने लगता है, मानना पड़ेगा तुम्हें दम तो है, तुमने मेरी तलवार निकलवा दी। सब लोग उसकी तलवार देखकर चौंक जाते हैं, इतनी बड़ी तलवार क्या ये चला भी सकता है ऐसे। फिर उसके बाद यूनचू तुरंत ही उड़कर उसके पास जाता है और उसके हथौड़ों में से एक हथौड़े को तुरंत ही तोड़ देता है और दो तीन हमले मारने के बाद उस मोटे को पीछे फेंक देता है। मोटा अपनी आँखें खोल के देख रहा होता है, तभी यूनचू उससे पूछने लगता है, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। इससे मोटा कहना लगता है, नहीं 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 मैं नहीं लड़ना चाहता। और इसी के साथ ही वो राउंड जीत जाता है और ऐसे ही करते करते वो सभी राउंड को जीतता जाता है और सब लोग उसकी पावर देखकर पागल हो रहे होते हैं। और फेंग जी चन का तो पूछो ही मत, वो जल जल कर वहीं पर खड़े होकर मारा जा रहा होता है। और ऐसे ही करते करते वो सेकेंड राउंड में 15 मैचेस को जीत जाता है। ये देखने के बाद यूनवा उड़ने लगता है। सेक्शन मास्टर कह रहा होता है, टॉप 32, वो टॉप 32 में पहुँच गया। प्रिंसेस कांगफंग कह रही होती है, पिताजी आप देख रहे हैं, वो आपके सपने को सच कर रहा है, आज के बाद कांगफंग फैमिली पर कोई भी नहीं हंसेगा। उधर लिंग पैलेस का लिंग मास्टर बोल रहा होता है, इस लड़के ने सिर्फ लेवल 10 के ट्रोफीज में होके इतनी ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस दिखाई, मुझे डर है कि फ्यूचर में कोई भी नहीं दिखा सकेगा। फेंग जी चन के बगल में बैठा आदमी कह रहा होता है, ये तो सुपरमैन है। इस पर फेंग जी चन हंस रहा होता है और कह रहा होता है, जीतने दो से, जीतने दो, कि जब तक जीतता रहे, जब तक तुम इसके अपोनेंट ना बन जाओ, जब तुम इसके अपोनेंट बनो तब तुम उसे चीर फाड़ देना। इस पर वो हंसते हुए कहने लगता है, यंग मास्टर आप चिंता मत करो, जब वो मेरे आगे आएगा तो मैं उसका कच्चा गीला कर दूंगा। इसके बाद हमें यूनचू को दिखाने लगते हैं जो कि एक कमरे में बैठा होता है। वो एक लेटर को लिखते हुए कह रहा होता है, यंग फादर सोई, अब हमें मेरे को 1 साल हो चुका है और मैंने अपने लिए बहुत नाम कमा लिया है। उस दिनों की ही बात है, मैं तुमको वहाँ से ज़रूर निकाल लूँगा और उनका उसका बदला ज़रूर दूंगा। तभी उनका गेट पर आ जाता है और कहने लगता है, ब्रदर इन लॉ। इसके बाद यूनचू गेट खोल देता है और पूछने लगता है, क्या हुआ अनवा। यूनवा अपने हाथ में से एक बॉक्स निकाल कर यूनचू को दे देता है और कहने लगता है, सिस्टर अभी आई थी और कहने लग रही थी कि मैं ये सामान तुमको दे दूँ, और उसने ये भी कहा ये सामान उसके किसी भी काम का नहीं है, इसलिए वो तुमको दे रही है। यूनचू उस बक्से को लेने के बाद तुरंत खोल देता है और देखने लगता है कि उसमें क्या है। वो उनको देखने के बाद चौंक जाता है, उसके अंदर मैजेस्टिक बीस्ट प्लेट, पर्पल गोल्ड क्लस्टर और लिंगयान ग्रास होती है। ये देखने के बाद वो कहने लगता है, इतनी सारी अनोखी चीज़ें। फिर वो उससे पूछता है कि क्यों किधर गई। वो अभी यहाँ से निकल के गई है, और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और उसको आवाज़ लगाने लगता है, कुंगी। वो रुक जाती है और पूछने लगती है, मिस्टर इनको मेरे से क्या काम है। इस पर वो रुक कर उससे पूछने लगता है, आइस पैलेस में तुम कैसे जी रही हो। इस पर वो उससे कहने लगती है, मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर जी रही हूँ, क्या तुम्हारे पास हमारी शादी का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद वो अपने हाथ में से एक कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल देती है और यूनचू की तरफ कर देती है। उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद यूनचू उससे कहने लगता है, मैंने सोचा था कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को जला दिया होगा, पर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को अब तक अपने पास क्यों रखा। इस पर वो कहने लगती है, मैं सोचती हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकती। वो कहता है, क्यों। क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सोचती थी। ये सुनने का यूनचू उससे कहने लगता है, तुमने मुझे जो अभी सामान दिया उसके लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया। मैं सोचता हूँ कि वो सामान आइस पैलेस के किसी भी इंसान को लेने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती, पर तुमने ऐसे ही वो मुझे दे दिया। ये सर वो कहने लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमने भी तो मेरी मदद की थी, तुमने मेरी काफ़ी सारी मेडियंस को खोला था, तो ये तो कुछ भी नहीं है। फिर उससे पूछने लगता है, जब मैंने तुम्हारी मेडियंस खोली थी तब तुम्हारी कितनी ताकत थी। ये सर उससे कहने लगती है, जितनी तुम्हारी अभी है उतनी थी तब मेरी। चलो अब काफ़ी समय हो गया है, तुम भी सोने चले जाओ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। यूनचू उसे तुरंत ही रोकते हुए कहता है, कंपटीशन में तुम मुझ पर बिल्कुल भी दया मत दिखाना,
ये सुनने पर वो थोड़ा रुकती है, फिर उसके वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।